हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है। तो सर्दी बड़ी हो गई है, साढ़े इलाके भी ना बर्फ बड़ी पैन रही अज। तो मैं चलो अपने ना दोस्तों ना शेयर करने अपनी वीडियो बना के ना, जो मर्जी होए, जिनी मर्जी सर्दी होए, बाहर निकलने पैंदा कमां नूं। तो बर्फ पैन रही ही, तो मैं चलो नाले कम तो जाने आ, नाले अपना काम कूम कर आने, नाले अपने भैन भरावां नाल वीडियो बना के शेयर करने। तो वेखो नज़ारे ना, बर्फ वेखण नूं ते सोहणी लगदी है, लेकिन गंद ही हुंदा, पिच पिच जिन्नी जान छड्डदी। ते साडे इलाके च ते इन्नी नहीं पैंदी, लेकिन दूसरे इलाकियां च इन्नी बर्फ पैंदी है, उत्थे ते मसला बन जांदा है। पहाड़ियां ने उच्चा नीवा जगह है, ते एक्सीडेंट भी बड़े होंदे ने। साढ़े इलाके च इन्नी खास नहीं पैंदी, अज पहले दिन पई है। ते मैं चलो अपने भैन भरावां नूं ना शेयर करदे जांदे आ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है सब का। उम्मीद है कि सारे भैन भरा ठीक ठाक होवोगे, हसने वाकई होवोगे। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखी, बात रखी, तो सानू दुआवां याद रखियो। अज की वीडियो शुरू करने हैं, जिहड़ी अज सारे दिन की डिटेन होगी सारे भैन भरावां नाल शेयर करांगे ना। तो साढ़े इलाके च बर्फ काफ़ी पैन रही है, मैं अब बाहर निकलना वा, तो तुम्हें नज़ारे दिखाना वा। मैं ना पुत्र जी आज फिश फ्राई करन लगा ना जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है सब दा। उम्मीद है कि सारे खरीयत नाल होन ते हसदे वसदे होन ते अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, आबाद रखे। मैं अज ना फिश फ्राई करके ना ते तुहानू दिखाण लगा उहदी रेसिपी ना। ते नमक, फिश मसाला, पपरीका, काली मिर्च, दादल मिर्च, लसन अदरक का पेस्ट, मेथी, लाल मिर्च, हल्दी, फिश, नींबू ते आयल, और तुहानू ना मैं हम तैयार करके दसना। थोड़ा जिहा आयल पा लेना, नींबू पा लेना, अदरक का ते लसन का पेस्ट पा लेना, है सारे मसाले जड़े ने ये पा लेना। इन्हां नूं चंगी तरह ना मिक्स कर लेना ना। चंगी तरह इन्हां नूं ना मसाला ला लैना, कोई जगह भी जिहड़ी है ना नारे अच्छी तरह हर जगह दे विच ना मसाला।
यह मसाला लग गया, बड़ी चंगी तरह साफ करके उत्ते ला लेना। तो यह मेरे तरीके ना अगर तुम बनाओगे ना, फ्रेंच फ्राई करोगे तो बहुत मजा आएगा तुम ना। इनू 7-8 घंटे वास्ते ना पेपर ला के ना रख लेना। सात अठ घंटे वास्ते इन्हों ला के आराम ना तो फ्रिज रख लेना। तो बाद मैं तुम 7-8 घंटे बाद फ्राई करके ना तो यदि रेसिपी थोड़े ना शेयर कराँगा। सात अठ घंटे बाद फिर थोड़े ना मिलने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो दिन पहला ना मैं इनू मसाला ला के रख लिया सी, ते आज मैं जरा ना ग्रिल करके तुम दिखावांगा ना। लोग फ्राई भी करते ने, ते फ्राई दे नाल ये वे के अपना मसाला लाई जांदा है, ते मैं तुहानू ग्रिल करके ना फिश ते उहदी रेसिपी शेयर करना तुहाडे नाल। भूसी थोड़ा तेल जरा उसे मार लेना जुड़े में मैं पहले ला के ना मसाला रखा सी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मसाले का ये वे कि पहला ला के तुम रखोगे ना तो फिर अंदर तक जड़ा ना मसाला रख जाएगा। तो मैं ग्रिल इस मारे करा लगा कि ग्रिल कीते जड़ा ना अपना फ्राई किया तो तेल बिच थोड़ जाता ना, इस तरह जरा ना तेल बिच ना जाएगा। इंज तेल ला लेना। ग्रिल का यह फायदा ना मसाला उतरेगा ना, तो फ्राई ना जरा ना मसाला उतर भी जाता ना। मैं हम बेचना ओवन दे तुम ला के दिखाना, ओवन च कर लगा मैं ग्रिल ना। एक 10-15 मिनट लगन देना तो बाद होंगे ही है ना, फिर कढ़ के तुहानू दिखाने। तो जेडे दोस्त मेरा चैनल वेंदे ने ना, जेडे मेरे दोस्त चैनल वेंदे ने ना, ये लाइक भी करया करो, शेयर भी करया करो, तो सबसक्राइब भी करया करो। तो 10-15 मिनट बाद हुंदा तो फिर तुहानू शेयर कर लो। कुमार स्कूल से आ गए हो जी?
कौन स्कूल में आ जाया है? सारे क्लास बच्चे। नहीं, तुम तो कहते थे निकलो आया है। क्लास पे सम। तो क्या दिया है उन्होंने बच्चों को? सारी चॉकलेट। आपको मिली है? आजकल वायना है ना जी। इस वजह से सबको बच्चों को स्कूलों में दे रहे हैं ना जी। मैं हम चेक करा लगा 10 मिनट हो गए 15 में देखा तो ये टाइम लगेगा ना, कुछ 2-4 मिनट लगन दुकान में तो काट के कर देंगे दुकान। हाँ जी दोस्तों, फेश हो गई है तैयार ते फाइनल लुक ऐ वे ते बनानी बड़ी आसान है ते बड़ी मजे दी बनी है ते ऐ मेरे तरीके ना बनाओगे ना ते तुहानू पसंद आएगी। फ्राई करके ना ते विच तेल भर जांदा ते मैं इहनू ग्रिल कीता ते ए बहुत मजे दी है ते मसाला भी नहीं। माशाल्लाह ना बहुत मजे दी बनी है ते तुसी भी इस तरीके ना जिस तरह मैं बनाई है ना ग्रिल करके ते इंज बनानी है तो इंशाल्लाह तुहानू भी पसंद आएगी ना। तो बनानी भी बड़ी आसान है तो फ्राई नहीं करनी ना ग्रिल के नाल कि मसाला भी नहीं उतरता तो ना तेल ये मिक्स होंगे। अलहम्दुलिल्लाह बहुत ही मजे की है।